काश आज करवा चौथ के दिन भाभी जी के दर्शन हो जाते तो बात बन जाती। बहुरिया जल्दी आ बिटिया, चांद निकल आया है। ए बैल, वहां काहे खड़ा है? अरे मुंह काहे फूला है तुमरा है? ये जो सही सलामत खड़े हो ना, ये हमारी बहुरिया के व्रत का प्रताप है। अब जल्दी से अपना थोबड़ा ठीक कर लो, नहीं तो मोर मोर के ठीक कर देंगे बता रहे। ससुर जी के नाम का कौन से वाले? सर फिर करवा चौथ का जो एपिसोड था उसके बारे में आप कुछ बताइए। करवा चौथ के एपिसोड का जो मुख्य कंटेंट था वो यही था कि क्रिकेट खेला जा रहा है बाहर, लड़के जो है वो हल्ला कर रहे हैं पूरे मोहल्ले में और तिवारी उन्हें आके रोकता है, और जब रोकता है तो अचानक जो है वो इत्तेफाकन वो बॉल जो है वो मारता है और बॉल जो है तिवारी को लगती है और तिवारी बेहोश हो जाता है। उसके बाद सेकंड टाइम जब तिवारी आता है तो देखता है कि अंगूरी भी उनके साथ शामिल हो गई है और वो भी खेल रहा है। इस चक्कर में जो है अंगूरी से बहुत नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर वो मुंह फुलाए हुए है, तभी जो है वो नेक्स्ट डे जो करवा चौथ आता है और अम्मा जो है उसको कहती है मुंह फुलाने से कोई फ़ायदा नहीं, जो घर की लक्ष्मी होती है अर्धांगिनी होती है वो अच्छे अच्छे गुस्सों को ठीक कर देती है। और तब जो है वो करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है, छलनी से चांद को देखा जाता है, फिर मुझे देखती है और गुस्सा जो है उड़न छू हो जाता है। तो करवा चौथ का हमारा हिंदुओं का त्यौहार जो है वो यही है, जिसमें पति पत्नी जो है एक दूसरे की रक्षा करते हैं, पत्नी जो है पति की रक्षा के लिए बीड़ा उठाती है, सारा दिन व्रत रखती है और शाम को पति जो है पानी पिलाकर उसके उसका व्रत तोड़ता है, और यही जीवन की परिपाटी है जो करवा चौथ के माध्यम से हमारे देश में मनाई जाती है। मैं रोहिताज गौड़ मनमोहन तिवारी भाभी जी घर पर है की तरफ से अंगूरी के साथ करवा चौथ मना चुका हूँ, अब अपनी बीवी के साथ कल मनाऊंगा। ऑल द बेस्ट।